पिछले कई दिनों से पीएम केयर फंड पर बहस तेज हो गई थी। विपक्ष सहित तमाम लोग सरकार पर सवाल कर रहे थे कि पीएम केयर फंड का क्या हुआ। कुछ लोग तो जांच कराने पर आमदा थे, पर अब शायद उनको जवाब मिल गया होगा। बात कुछ रोज पहले की है, जैसे ही घोषणा हुई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांचवी बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करेंगे, पूरे देश में मानो खलबली मच गई। भूख प्यास और बेरोजगारी से मजबूर होकर अपने घर के लौटते प्रवासी मजदूर से लेकर गिरती हुई अर्थव्यवस्था तक देश की जनता के सामने कई अहम सवाल थे। देश जानना चाह रहा था इस मुश्किल वक्त में पीएम क्या नई घोषणाएं करते हैं और साथ ही क्या वो लॉकडाउन में कोई विशेष छूट देंगे या नहीं। एक तरफ देश और देश की जनता के सामने तमाम तरह के सवाल थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष मुख्यतः कांग्रेस थी। कांग्रेस ने पुनः सरकार से पीएम केयर फंड के तहत मिलने वाले फंड को लेकर सवाल किए। पीएम केयर में मिला क्या पैसा कहां जा रहा है, इसका जवाब पीएम मोदी ने दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड में से 3100 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। एक जानकारी पीएमओ की तरफ से आई है, बताया जा रहा है कि 3100 करोड़ में से 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर खरीदने में खर्च होंगे, जबकि 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए होंगे। वही बात बचे हुए 100 करोड़ की हो तो इन पैसों को कोरोना वायरस की वैक्सीन के शोध में खर्च किया जाएगा। मामले में दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने जिन वेंटिलेटर्स को खरीदने की बात की है वो भारत निर्मित होंगे और उन्हें मेक इन इंडिया के तहत खरीदा जाएगा। आपको बता दें कि जब से कोरोना वायरस से निपटने के लिए पीएम केयर फंड का गठन हुआ, तब से ही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सरकार और पीएम मोदी पर हमलावर थे। पूर्व में ऐसे तमाम मौके आए जब इसे लेकर तरह तरह की बातें उठी और वो आलोचकों का एक वर्ग वो भी था जिसने कहा कि ऐसे हालात में भी प्रधानमंत्री अपना फायदा और पब्लिसिटी देख रहे हैं। फंड में से 3100 करोड़ रुपए आवंटित करते हुए प्रवासी मजदूरों को प्रमुखता दी गई है, तो बताते चले इस मुश्किल दौर में जिस तरीके से भूख और बेरोजगारी के नाम पर लाखों मजदूर पैदल ही अपने अपने घरों की ओर गए हैं, उससे सरकार की खूब किरकिरी हुई है। मजदूरों के इस पलायन को कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी जैसे दलों ने भी खूब गंभीरता से लिया और इसकी आड़ लेते हुए पीएम मोदी की तीखी आलोचना की थी और कहा था कि इन मजदूरों का इस तरह से जाना विकास और भारत के विश्व गुरु बनाने जैसी बातों पर करारा तमाचा है। बीते दिनों ही राहुल गांधी ने पूछा था कि जब पीएसयू के जरिए पीएम केयर फंड में इतने पैसे आए तो सरकार को उसका ऑडिट कराना चाहिए और साथ ही ये बताना चाहिए कि वो पैसा कहां खर्च हुए। बहरहाल सरकार की तरफ से जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ का पैकेज आवंटित कर रही थी तो पूरा देश उन्हें टकटकी लगाए देख रहा था और जानना चाह रहा था कि सरकार इन प्रवासी मजदूरों को क्या सहूलियतें देती है। 1000 करोड़ रुपए के इस आवंटन के बाद प्रवासी मजदूरों का पलायन कितना रुकता है, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। मगर जो वर्तमान है वो इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इन पैसों को आवंटित करके पीएम मोदी ने बुलंद आवाजों के ऊपर नकेल कसने का काम किया है। देखना मजेदार रहेगा कि विपक्ष या ये कह ले कि कांग्रेस इसका क्या तोड़ निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर लाइव।